हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं रीजनिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे जो पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगे आ, सी सेट में पहले पूछे जा चुके हैं शायद टू थाउजेंड सेवेंटीन में जो वो पूछे गए थे आ, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप बताइए कि, कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर थर्टीन टू डिजिट एक्जीक्यूटिव और नंबर ठीक है कितने नंबर है थर्टीन हमारे पास नंबर है और दो डिजिट वाले हैं ठीक है दो डिजिट वाले हमारे पास नंबर है और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू चल रहे होते हैं लेकिन ऑड नंबर भी बोला है तो ऑड नंबर जो वो स्टार्ट होते हैं वन से फिर आता है थ्री टू टू के डिफरेंस में चलते हैं मतलब एक छोड़ के दूसरा आ जाएगा एक छोड़ के दूसरा आएगा ठीक है ऑड नंबर मतलब कि बीसम संख्या ठीक है इवन uh, नंबर वो होते हैं जो टू से स्टार्ट होंगे टू फोर ठीक है जो इसमें नहीं आएंगे वो उसमें आ जाएंगे इवन नंबर में ठीक है तो वन थ्री फिर टू टू के डिफरेंस फाइव सेवन नाइन इलेवन इसकी डेफिनेशन ये है कि जो टू से डिवाइड ना हो डिवाइड ना होने का मतलब है कि रिमाइंडर वन आ जाएगा यहाँ पे ठीक है मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा तभी जो वो इसका मतलब है कि डिवाइड नहीं हो पाया रिमाइंडर जीरो आएगा तो डिवाइड हो गया मतलब एग्जैक्टली डिवाइड ठीक है तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन तो ये जो ऑड नंबर है इसमें जब वो अगर टू से डिवाइड करें तो हमेशा ही रिमाइंडर जब वो सिसपल जो वो वन आता है ठीक है वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन ऐसे चलते जाएगा टू टू के डिफरेंस में एक एक छोड़ के दूसरा आ जाएगा ठीक है ये होते हैं ऑर्डर नंबर अभी इसने बोला कंजीक्यूटिव तो बीच में जब आपको ने छोड़ना नहीं है कंटिन्यू चल रहे हैं ठीक है जैसे इलेवन के बाद जब वो थर्टीन नहीं छोड़ना है जैसे मान लो आपने इलेवन के बाद फिफ्टीन बोल दिया तो थर्टीन भी तो है बीच में तो इसका मतलब कंजीक्यूटिव नंबर लेना है थर्टीन नहीं छोड़ना है मतलब बीच में कोई भी नहीं छोड़ना है ठीक है इसका मतलब है तो कुछ ऐसे जो इसने बोला कि थर्टीन कंजीक्यूटिव ऑर्डर नंबर है ठीक है इतना जब आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट लिखा है कि अच्छा पे बोला है कि 39 जो वो पहले पांच का जो वो मीन है तीन चार पांच ये जो पहले पांच नंबर मैंने यहां पे लिखा है और इन पांच का जो मीन है मीन का एक्चुअल मतलब होता है जो एवरेज ठीक है मतलब एक अप्रोक्सीमेट आप याद रखिए जैसे जैसे मान लो वन और थ्री के बीच में जो वो, अगर मैं बोलूँ वन और थ्री ना ही स्मॉलेस्ट लें ना ही ग्रेटेस्ट नंबर ले बीच वाला नंबर लें टू तो वन और थ्री का जो वो बीच वाला नंबर हो जाएगा टू ठीक है ना ज़्यादा ना कम बीच वाला नंबर ले लो उसी को एवरेज बोलते हैं एक्चुअल में ठीक है तो इसी को ही मीन भी बोलते हैं ठीक है तो उसका मतलब है कि बीच वाला नंबर लेना है अब देखिए यहाँ पे जो इसके कई सारे फार्मूले बन जाते हैं यहाँ पे या तो इन तीनों नंबरों को ऐड करो ठीक है जैसे तीन चार पाँच छः हो गया ठीक है सिक्स हो गया जितने भी नंबर है उससे डिवाइड करना है ठीक है आपने जब वो प्रॉबिलिटी में पढ़ा होगा ठीक है मीन का फार्मूला पढ़ा होगा ठीक है कुछ इस तरह से फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम ठीक है टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा तो जितने भी नंबर हैं उनको ऐड किया तो सिक्स आ गया फिर जो जितने नंबर है उनका मतलब कितने नंबर है थ्री है तो उससे डिवाइड किया तो थ्री वन जै थ्री थ्री टू जै सिक्स टू जो वो यहाँ पे भी आ रहा है ठीक है इससे अच्छा है कि आप जो वो एक ट्रिक याद रखें जैसे वन है थ्री है बीच को है टू निकालना है आप क्या करें फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और लास्ट इनका सम करें वन प्लस थ्री और डिवाइड कर दें टू से ठीक है थ्री और वन होता है फोर फोर को डिवाइड किया टू से आ जाएगा टू ठीक है बड़े आराम से मतलब कि दूसरा नंबर सेकेंड इज़ द मीन ऑफ वन टू थ्री ठीक है तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला यहाँ से हमें सीखने को मिला कि अगर पाँच नंबर हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव तो बीच वाला जो वो इनका मीन होगा मतलब कि थर्टी नाइन बीच में होगा तो यहाँ जैसे थर्टी नाइन बीच में होगा अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो इसको सॉल्व करना था ठीक है तो थर्टी नाइन अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे तो वो थर्टी सेवन हो जाएगा एक छोड़ के क्योंकि ऑड नंबर है कन्जीक्यूटिव है ठीक है आ, और यहाँ पर आ जाएगा थर्टी फाइव और यहाँ पर आगे चलेगा थर्टी सॉरी फोटी वन फिर आ जाएगा फोर्टी थ्री ये जो वो पहले पाँच जो वो कंजीक्यूटिव सॉरी ऑड नंबर है ठीक है अब इसने देखिए क्या बोला है कि टोटल नंबर है थर्टीन अब अगर थर्टीन है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन है अब थर्टीन का जो मीन वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा ठीक है मतलब कि सिक्स इस साइड छोड़ दो सिक्स इस साइड छोड़ दो तो बीच वाला जो नंबर होगा जैसे यहाँ पे जो वो सेवन आएगा ठीक है सेवन वाला जो नंबर होगा वो जो वो मीन कहलाएगा इसका मतलब ये हुआ कि पहले पाँच तो दिए हुए हैं सिक्स वाला और नेक्स्ट सेवन वाला जो आपका मीन बाला नंबर होगा पूरे लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आप इस कंसेप्ट को सीख चुके होंगे तो जो पूरे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है या तो मैं बता रहा हूँ तभी जब वो वीडियो जब वो लंबी बन जाएगी इस कुछ, इसी कोई क्वेश्चन के लिए जो पाँच छः मिनट लग गए होंगे लेकिन आपको अगर कंसेप्ट पता है तो जो आप इसको जल्दी से जो वो बीस तीस सेकेंड में जो वो कर सकते थे बड़े आराम से अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस की है तो पांचे सेकंड में भी ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो होता है फोर्टी थ्री है यहाँ पे फिर आ जाएगा फोर्टी फाइव और आपको बताया अगले वाला होगा फोर्टी सेवन मतलब नंबर होगा होगा सातवां नंबर नंबर इज़ द मीन ऑफ टू डिजिट जिसमें कि पहले पांच नंबर का जो मीन है वो थर्टी नाइन है ठीक ना, है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था देखिए फोर्टी सेवन इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देयर इज अ मिल्क सैंपल ठीक है कुछ मिल्क का है जो वो सैंपल है इसमें बोला कि विद फिफ्टी मिल्क है उसमें कि फिफ्टी परसेंट वाटर है इसमें ठीक है मतलब कि आधा पानी है उसमें ठीक है और आधा जो वो उसमें दूध है मिल्क है ठीक है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है मतलब कि आधा पानी आधा वाटर डाला है उसमें ये जो मिक्सचर है कुछ इसने बोला कि वन थर्ड ऑफ दिस मिल्क इसका जो वो वन थर्ड इसका जो वो वन थर्ड क्या किया अब जो वह अलग अलग तो नहीं होगा मिक्स हो चुका होगा तो वन थर्ड ऑफ दिस मिल्क इज ऐडिड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क प्योर मिल्क का मतलब है यहाँ पे जो वो जितना ए जो वो मतलब कि मिल्क था पहले उतने ही अमाउंट में जो वो यहाँ पे प्योर है प्योर का मतलब है कि यहाँ पे जो अब अब यहाँ पे जो वो आ, प्योर मिल्क है मतलब कि दो पानी जो वो जीरो परसेंट है ठीक है यहाँ पे वाटर ज़ीरो परसेंट है तो इसमें जो वो इसका वन थर्ड मिला दिया इसमें जो वो इसका वन थर्ड मिला दिया तो वाटर का जो न्यू न्यू मिक्सचर में जो वाटर है वो जो वो कितना घटेगा देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन टू ठीक है पहले से कंपेयर करके पूछ रहा है तो यहाँ तो दिख रहा है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट इज़ द आंसर ठीक है बिल्कुल ईजी जैसे क्वेश्चन है बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ऐसे जो वो सी सेट में कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बिल्कुल ईजीएसट लेवल जो वो उनका रहता है और बड़े आराम से इनको किया जा सकता है ठीक है अभी आपको बताएं कि पाँच जून को नेक्स्ट जो भी संडे आ रहा है उसको जो वो यूपीएससी का फ्री है तो उसके लिए जो भी यूपीएससी वाले जो भी पेपर दे रहे हैं उनको जो वो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस